लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता तिवारी LBS कॉलेज हरदा से आपके लिए 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए नियोजित विकास की राजनीति के संदर्भ में कुछ मुख्य बिंदु आपको बताना चाहती हूँ जो आने वाली परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। जैसे पहला है नियोजन। नियोजन यानी प्लानिंग, इसका अर्थ क्या होता है? तो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है और इसमें आवश्यक क्रियाकलापों का चिंतन किया जाता है वह कहलाता है नियोजन, जिसमें कोई उचित कदम उठाया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण कि आप कोई प्लानिंग करते हो, मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए कि यदि आपको हनुमंतिया जाना है आपका एक ग्रुप को, तो आप कुछ प्लानिंग करोगे कब जाएंगे, किस साधन से जाएंगे, कौन कौन जाएंगे और इसके लिए क्या भोजन, अगर हम घर से टिफिन बना के ले जाएंगे या फिर वहीं पर हम कुछ करेंगे, तो इस प्रकार की ये योजना बनाई जाती है जिसके कारण ऐसी योजना जिसके कारण हमको अधिकतम आनंद की प्राप्ति हो। अब चूंकि यहाँ हम बात करते हैं तो इसमें आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो ऐसा नियोजन किया जाए जिसमें हर पक्ष के, हर समाज के हर पक्ष को फायदा हो और साथ ही आर्थिक विकास हो, तो इस प्रकार यह नियोजन कहलाता है। दूसरा शब्द होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का अर्थ क्या हुआ? वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादित धन साधनों का कुशलता पूर्वक दोहन किया जाए। दोहन यानी उपयोग इस प्रकार किया जाए कि उनसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। दोहन का अर्थ क्या हुआ? इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। साथ ही राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? कि एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों से प्राप्त जो योग होता है, साथ ही यदि हमको विदेशी धन प्राप्त होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वास्तविक वृद्धि यदि होती है तो ये क्या कहलाता है? आर्थिक विकास। यानी ये सारी बातें होती हैं तो ये आर्थिक विकास है। इसको हम तीन पहलू में देख सकते हैं। एक होता है सकारात्मक आर्थिक विकास। अगर इस प्रकार से सारे निरंतर दीर्घकालिक वृद्धि हो रही है तो ये सकारात्मक आर्थिक विकास होगा, और यदि इसमें कमी हो रही है तो इसको बोलेंगे नकारात्मक आर्थिक विकास। परंतु यदि किसी समय न ही वृद्धि हुई और न ही कमी हुई तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि आर्थिक विकास शून्य है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के वैसे दो मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, एक सामाज पूंजीवादी और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जो पूंजीवाद है उसमें क्या होता है कि मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया जाता है, और जो समाजवादी जो रहती है इसमें अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग पर राज्य का हक होता है। परंतु भारत में जो तीसरा मॉडल अपनाया गया है अर्थव्यवस्था का, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सार्वजनिक और निजी स्वामित्व का जो मिश्रण है इसका इस प्रकार से रखा गया है कि इसका उद्देश्य ये हो गया कि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो, अधिकतम सामाजिक कल्याण हो, देश में धन का अंतर कम हो जाए, यानी प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, बढ़े, और उनके बीच में जो अंतर है वो बहुत अधिक न हो, गरीबी और बेरोजगारी को कम से कम किया जाए। यह जो है यह क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। भारत में कृषि, व्यापार और छोटे उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखे गए हैं और बड़े उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया। इस प्रकार ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रखना, ये इससे संबंधित कोई प्रश्न आ सकता है तो इसमें क्या हुआ, भारत में छोटे उद्योग, कृषि, व्यापार और छोटे उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखा गया और बड़े उद्योग और सार्वजनिक जो क्षेत्र में रखा गया है बड़े उद्योगों को। अगला है वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो कोई भी जो देशों में जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि वो वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी है। तो वामपंथी शब्द का अर्थ क्या होता है? कि गरीबों, पिछड़े वर्ग की तरफदारी करना, उनके कल्याण की बात करना, उनको अधिकतम लाभ पहुंचाना। अगर कोई राजनीतिक पार्टी बोलती है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, जैसे कि भारत में मार्क्सवादी को वामपंथी माना गया है, तो वो गरीबों, पिछड़े वर्ग को की तरफदारी करते हैं और उनके अधिकतम लाभ की बात करते हैं। और दूसरा है जो खुली प्रतिस्पर्धा और सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दक्षिणपंथी कहलाते हैं।
तो जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के जो पार्टीज है उनको दक्षिणपंथी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये वामपंथी और दक्षिणपंथी शब्द का समझ लें। तीसरा है, अगला है ये हरित क्रांति, नाम से ही स्पष्ट है हरित क्रांति। कृषि वैज्ञानिक, याद रखिए ये नॉर्मन बोरलॉग, यह विश्व जनक माने गए, हरित क्रांति के विश्व जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को माना गया है। और यदि भारतीय ताकि स्तर पर हम बात करें, भारत के लेवल पर बात करें, तो M.S. स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक माना गया है। नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने गए हैं और भारत की हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन को माना गया है। तो ये हरित क्रांति क्या होती है, आप लोग सब जानते ही कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर कृषि की प्रधानता है, अतः यदि उसका अधिक बहुत अधिक विकास किया जाए तो भारत का आर्थिक विकास होगा। तो इसमें क्या हुआ, हरित क्रांति के तहत सिंचाई और पौध संरक्षण को अपनाया गया, बहुफसली उत्पादन किया गया। बहुफसली यानी पहले प्राथमिक अवस्था में एक ही फसल ली जाती थी अलग अलग मौसम में, परंतु वर्तमान में ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, ऐसे सीड डेवलप किए गए हैं कि बहुफसली उत्पादन होने लगा है और साथ ही भूमि को हानि न हो, मृदा को हानि न हो, इस प्रकार के तकनीकों को अपनाना। फिर आधुनिक कृषि का उपयोग करना, परंपरागत तरीकों से जो समय खर्च होता था तो वह न करके आधुनिक कृषि को अपनाया गया। इसके लिए कृषकों को ट्रेंड किया गया, तो यह आधुनिक कृषि के अंतर्गत आया। इसके अलावा, यह तो हो गई खेतों की बात, फसलों की बात, फिर इसका आगे वाला पोर्शन भी है कि जैसे कृषि सेवा केंद्र बनाए गए और साथ ही किसानों को तकनीकी ज्ञान दिया जाने लगा। इनके अलावा उन्होंने जो फसल का उत्पादन कर लिया है वर्तमान में वो बेचने की स्थिति में नहीं है, बेचना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए बीज उनके लिए गोडाउन वगैरह होते हैं, यह भी हरित क्रांति में आता है। और बीज भंडारण किया जाना, बैंकों के द्वारा इन लोगों को सहायता देना, उर्वरकों की न केवल जानकारी देना बल्कि उनको किसानों तक डिस्ट्रीब्यूट कराना, और ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण अति अनिवार्य है क्योंकि वर्तमान में जो सिंचाई के साधन है खुद के यदि हों तो ऐसे स्थिति में विद्युत का होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए और कई कृषि यंत्र विद्युत के द्वारा भी चलते हैं, तो ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब इसका प्रभाव, जो हरित क्रांति हमारे देश में अपनाई गई, इसका जो प्रभाव है, तो यदि अपन देखें तो 1978 से 79 में हमारे खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो 1 अरब टन से अधिक हो गया था। यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 अरब टन से अधिक हो गया था, इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंड ही न हुआ बल्कि वह अन्य देशों को निर्यात करने में भी सक्षम हो गया है। तो उस समय हमारे देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो ऐसा माना जाता है कि इसके कारण उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई। और साथ ही इसी कारण कनाडा में पंजाब और हरियाणा के किसानों को भी आमंत्रित किया गया ताकि वह भी कृषि से संबंधित ज्ञान उनको दे सके। और यही कारण है कि इसके द्वारा भारतीय मुद्रा के भंडारण में भी वृद्धि हो गई थी। तो इस प्रकार हरित क्रांति के द्वारा देश की आर्थिक स्थिति और देश की प्रतिष्ठा ऊंचाइयों को छू पाई। अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति नाम से स्पष्ट है सफेद क्रांति, यानी यह किसी सफेद चीज से रिलेटेड है और वह क्या है, दूध। तो कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन कहा जाता है, उन्होंने भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में और आर्थिक विकास करने में बहुत अधिक सहयोग दिया। तो ये मिल्क मैन कहलाते हैं। और साथ ही आपने अमूल का नाम सुना होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो ये उस कंपनी के चेयरमैन थे। और फिर इसके बाद इन्होंने दूध उत्पादन के बाद उसको अधिक समय तक सुरक्षित करने के लिए दूध पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क यह भी बनाया। ठीक, तो इस प्रकार यह दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति कहलाएगी। और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा हमारा भारत कई चीज़ों में विश्व में प्रथम है, जैसे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन में, तो उसी प्रकार भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी बन गया है। इसके बाद मैं आपको और कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, अन्य कई क्रांतियाँ हुई हैं, तो इसमें जैसे मुख्य मुख्य क्रांतियों के नाम आप जान लें
और वो किस चीज से संबंधित है इसे आप जान ले। जैसे नीली क्रांति, तो नीली क्रांति समुद्र से संबंधित, और समुद्र में क्या होता है, मछलियाँ, तो मछली मतलब समुद्र से प्राप्त जो चीजें हैं उनके उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या कहलाती है, नीली क्रांति, जिसमें मछली पालन और समुद्री खाद्य पदार्थों से संबंधित उत्पादन इस श्रेणी में आते हैं। और जो नीली क्रांति की बात अगर करूं, मत्स्य उत्पादन की बात करूं, तो विश्व में जो इसके विकास की दर है वो 7.5% है, परंतु भारत में यह 14.8 यानी सर्वाधिक मानी जाती है। तो नीली क्रांति के क्षेत्र में भी भारत सर्वोच्च है। फिर पीली क्रांति, पीली क्रांति का अर्थ हुआ तिलहन, सरसों, यह रबी की फसल है। रबी और खरीफ, आप लोगों ने ये दो नाम सुने होंगे, हो सकता है कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसको याद करने का एक तरीका है। रबी, रबी जो है तो रबी से हम बनाते हैं रवि, रवि यानी क्या होता है, सूर्य, और ऐसी फसलें जो सूर्य के प्रकाश में पकती हैं। तो जैसे वर्तमान में गेहूं की फसल अगर चल रही है तो वह क्या हो गई, सूर्य के प्रकाश में हो रही है, तो ये इस प्रकार की जो फसलें होती है वह रबी की कहलाएगी। और दूसरा वाला जो वर्षा के ऋतु में होती, तो निश्चित रूप से सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, खरीफ का हो जाएगा। तो इस प्रकार ये रबी और खरीफ की बात हम कर सकते हैं। अब इसके बाद भूरी क्रांति, भूरी क्रांति यह उर्वरक और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए कही गई है, भूरी क्रांति। स्वर्ण क्रांति, तो ये स्वर्ण क्रांति के सिर्फ फल, शहद और बागवानी के लिए जो क्रांति होती है वह फल, शहद और बागवानी के उत्पादन से संबंधित बात को हम स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत रखते हैं। काली क्रांति, काली क्रांति यानी पेट्रोलियम या जीवाश्म ईंधन से संबंधित जो चीजें हैं वह काली क्रांति के तहत आती है। और लाल क्रांति, लाल क्रांति यानी मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, आपको पता होगा कि मसाला के उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे हुए है। खाकी क्रांति, यह चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, और निश्चित रूप से यह भी हमारे देश में सर्वाधिक ही होगी, क्योंकि हमारा जो देश है वह विश्व का सबसे बड़ा पशुपालक देश है, तो निश्चित रूप से चमड़े की प्राप्ति भी बहुत अधिक होती है, अतः चमड़े का उत्पादन भी हमारे देश में बहुत अधिक है। तो ये खाकी क्रांति किस में आएगी, चमड़ा उत्पादन में। और अंत में है अमृत क्रांति, तो ये अमृत क्रांति का अर्थ क्या हुआ, उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ा जाना, यह क्रांति को क्या कहा जाता है, अमृत क्रांति। तो इस प्रकार मैंने आपको यह क्रांति और प्लानिंग के बारे में जो बताया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।